समिता शेट्टी और राकेश बापट के ब्रेकअप की खबर सुनकर उनके फैंस सदमे में हैं। दरअसल फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि बिग बॉस ओटीटी से शुरू हुआ समिता और राकेश के प्यार का सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि ना तो राकेश बापट और ना ही समिता शेट्टी ने अपने ब्रेकअप की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। तो वहीं अब राकेश बापट ने अपने ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ी है। आखिर क्या कुछ कहना है राकेश बापट का, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राकेश बापट और समिता शेट्टी की मुलाकात बिग बॉस ओटीटी के दौरान हुई, जहां ना सिर्फ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी बल्कि प्यार का इजहार भी हुआ। तो वहीं बिग बॉस सीजन 15 में भी दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। यही वजह थी कि समिता और राकेश फैंस के फेवरेट कपल बन गए। फैंस को इनकी जोड़ी पसंद है और वह हमेशा इन्हें साथ देखना चाहते हैं। बिग बॉस के खत्म होने के बाद दोनों को अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा जाता था। समिता शेट्टी राकेश के परिवार से मिलने पुणे भी गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि शायद जल्द ही दोनों शादी कर सकते हैं। इसके बाद कई मौकों पर भी समिता और राकेश साथ साथ नजर आए। तो वहीं अब ब्रेकअप की खबर से समिता और राकेश के फैंस के दिल टूट गए हैं। इंडिया फोरम से बात करते हुए राकेश बापट ने ब्रेकअप की खबरों को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, हमने हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा और हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। भले ही राकेश बापट ने समिता संग अपने ब्रेकअप की खबरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया हो, लेकिन फैंस हैं कि उन्हें अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि समिता और राकेश का ब्रेकअप हो गया है। आखिरकार अब सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। वैसे राकेश बापट के बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें।